जिंदाबाद 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 ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आजादी से लेकर आज तक का ये मांग था कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको सत्ता और हर चीज में उनको साझेदारी मिलनी चाहिए, जिसके लेकर के लगातार ये लोगों का मांग रहा था कि राज्य से लेकर देश में जातिगत जनगणना किया जाए, जिसको लेकर के खास करके आज के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार भगत जी के द्वारा किया गया और इनके आमंत्रण पर हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी साथी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे और खुशी की क्या बात होगी कि हमारे वर्तमान महागठबंधन की जो हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार के अनुपस्थिति में भी हमारे चंपई सोरेन जी जो आज मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल रहे हैं, उनके हर किए गए वादों को एक एक कर अमलीजामा पहुंचाकर जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उसी के अंतर्गत कल के दिन ही हमारे चंपई सोरेन जी के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में जातिगत जनगणना करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही जो 125 यूनिट बिजली लोगों को फ्री देने का था, तमाम लोगों में अब 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। आपको पेंशन योजना का जो लाभ है 25 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं को भी पूरे प्रदेश में दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ओबीसी समाज से भी हम लोग बिलोंग करते हैं और बड़ा गर्व हो रहा है कि आज झारखंड में एक ऐसी हेमंत सोरेन की सरकार है जो हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में भी उनके किए वादे को पूरा कर रही है। आगे जो हमारा युवाओं को रोजगार देने की बात है, आप देख रहे हैं कि हमारा 33,000 इधर शिक्षकों की बहाली का ये चल रहा है। निजी संस्थानों में 75% स्थानीय युवाओं का नियुक्ति के लिए जो झारखंड सरकार का कानून पास किया गया है उसको भी हम सभी लोग इसी तरह ओबीसी मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी या फिर कहिए राष्ट्रीय जनता दल, हम सारे लोग मिलकर के एक आंदोलन भी उठाएंगे और जो हमारी सरकार ने जनता को जो अधिकार दिया है उसको दिलाने में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसको जड़मूल से झारखंड से बाहर भेजने का काम करेंगे। आज हम लोग इस गोड्डा के ऐतिहासिक कारगिल चौक पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग खुशी जाहिर कर रहा है। खुशी इस बात का है कि माननीय हेमंत सोरेन जी जो आज जेल के अंदर झूठे मुकदमे में बंद हैं, उन्होंने इसकी बिसात बिछाने का काम किया था और आज वर्तमान मुख्यमंत्री आधारित जनगणना जो भारत सरकार नहीं करा रही है, वादा करके मुकरने का काम किया था, तो जाति आधारित सर्वेक्षण झारखंड के अंदर में होगा और कल के कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया है। उसी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए, लोगों को धन्यवाद देने के लिए और यहाँ साथ ही साथ मैडम अपनी आप खुशी जाहिर करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है आज़ादी के पूर्व 1931 में जाति आधारित जनगणना देश के अंदर में होता था, उसके बाद कोई गणना यहाँ नहीं हुआ और आज झारखंड सरकार ने जो पिछले समय में वादा किया था उस वादा को कल पूरा करने का काम किया है और हम लोग समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जाति आधारित सर्वेक्षण सामने आएगा और जिस जाति की जितनी आबादी होगी उसी आधार पर शासन सत्ता में उसकी भागीदारी होगी। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। आंदोलन भी किया, अब जाकर के सरकार कहीं ना कहीं इस निर्णय पे पहुंची है, कितने खुशी है। देखिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप जितने मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं सबों का यहाँ सम्मान है, सबों का स्वागत है। ये जो चिर लंबित मांग था ओबीसी वर्ग का, बल्कि ओबीसी वर्ग नहीं कहिए सभी वर्गों का,
ये जाति आधारित जनगणना सभी वर्गों को अपना संवैधानिक अधिकार दिलवाने का काम करेगी, जिसकी लड़ाई ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चरणबद्ध तरीके से लड़ने का काम किया है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन जो है पिछले कई वर्षों से करने का काम कर रहे हैं। गोड्डा जिला का इसमें भूमिका अग्रणी रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं प्रेमनंदन मंडल जी, जिन्होंने इस आंदोलन को धार देने का काम किया है। गोड्डा जिला का संगठन, जितने भी लोग हैं, सबों ने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और गोड्डा जिला के अंतर्गत जितने भी विधायक हैं, हम कहें मैडम दीपिका पांडे जी, भाई प्रदीप यादव जी, सबों ने ये सदन में बात को उठाने का काम किया है। और पूर्व सांसद फुरकान साहब भी बाहर से सपोर्ट करने का काम किए हैं। पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी ने भी सपोर्ट करने का काम किया है। विधायक अंबा प्रसाद, मंत्री माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, इन सबों का जो है बहुत अग्रणी भूमिका रहा है सदन से लेकर के जो है, और जहाँ जहाँ हुआ इन लोगों ने सपोर्ट किया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तमाम मांगों को। हम बहुत गदगद हैं, जो कि हमारी चिर लंबित मांग को चंपई स्वर्ण की सरकार, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है महागठबंधन की, सभी दलों का सहयोग हुआ। यह जो है बीपी मंडल जी का, जो बिहार में हम लोग ये जाति आधारित जनगणना या मंडल कमीशन का जो लाभ पा रहे थे, सरकार बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो हमारा आज 24 साल हुआ हो गया जो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा था। हम आपके माध्यम से युवाओं को, छात्रों को ये बताना चाहेंगे कि जाति आधारित जो ये सर्वे हो जाएगा, होने के बाद सबों को अपना संवैधानिक अधिकार मिलेगा। जो नौकरी में भागीदारी, सरकारी काम काज में जिसको भागीदारी नहीं मिल रहा था, उसे भागीदारी मिलेगा। और हम जो 52% की मांग करते हैं, ये 52% जो हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार यहीं से सुनिश्चित होगा। और हम बहुत गदगद हैं इंडिया सरकार से, जो और भी कई योजनाएं इन्होंने लागू करने का काम किया है, जैसे महिलाओं के लिए 25 साल से जो है पेंशन की बात है, या शिक्षा के क्षेत्र में है, या कई यूनिवर्सिटी खोलने का जो घोषणा किया गया है। ये सरकार, हमें लगता है कि ये बहुजन की सरकार है, और ये हमारे महापुरुषों के ये जो है मार्ग पे ये अब चलना शुरू की है ये सरकार। और जहाँ तक हम लोगों को सपोर्ट देने का ज़रूरत होगा इस सरकार को, हम लोग सपोर्ट देंगे।